अब खबरें विस्तार से। मजदूर दिवस के मौके पर एक तरफ एटक द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, वहीं दूसरी ओर एसयूसीआई द्वारा मजदूर हित में और मजदूर एकता के लिए आवाज उठाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा शहर में रैलियां निकाली गई और मजदूर एकता के लिए मजदूरों से आगे आने का आह्वान किया गया। एटक द्वारा जोरदार रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। उनका नेतृत्व कर रहे अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि मजदूरों के हितों की लड़ाई को जोरदार तरीके से चलाना है। हमारा जो है लगातार चलेगा। हमने पिछले बार भी मई दिवस के अवसर पर संघर्ष किया था कि मजदूरों का जो खोया हुआ अति अधिकार है उसको वापस दिलाएंगे और बहुत सारे चीज़ों पर बहुत सारे अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और उसी संकल्प के साथ आज इस मई दिवस पर हम एक घोषणा करते हैं कि जहां भी मजदूरों पर शोषण होगा AITUC के लोग सशरीर हाजिर होकर के उसके अधिकार की रक्षा। वहीं दूसरी ओर SUCI द्वारा साक्षी में रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। मई दिवस के विचारों को गांव शहर में फैला दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो। आज मजदूर दिवस है, महान मई दिवस, पूरे देश इंटरनेशनल मजदूर दिवस है, पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो हक के लिए मजदूर लोग लड़ाई करके अपना अधिकार को हासिल किए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। मजदूर लोग आज विफल है, ये सरकार विफल है, हर तरह से मजदूर लोग को कुछ भी हक नहीं दे पा रहे हैं। धीरे धीरे मजदूर लोग का हक को छीनते जा रहे हैं और पूरे देश भर में मजदूर लोग का जो अधिकार है उसको लेकर के आंदोलन चल। ये जो बैज है, ये बैज लगा करके मजदूर लोग को ये दिन का याद दिला रहे हैं और उसको जागरूक कर रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मजदूरों के अधिकारों के लिए उनका प्रयास हर संभव जारी रहेगा। मजदूर दिवस के बल पर उपलक्ष्य में मजदूरों का कुछ कैसे भला हो इस पर हम लोग विचार करते हैं और साथ हम लोग ये चाहते हैं कि और मजदूर को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसका शोषण नहीं हो, किस तरह से उनका मान मर्यादा बढ़े, यही चाहत है। इसी उपलक्ष्य पर 1 मई पर मजदूर दिवस के इस उपलक्ष्य पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर मोर्चा द्वारा MGM अस्पताल में मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि पावन मौके पर जन सेवा ही परम धर्म है। शहर में अलग अलग दुर्घटनाओं में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बागबेड़ा गांधीनगर में खाना बनाने के क्रम में स्टोर के फट जाने से रूपा रजक नामक 19 वर्षीय युवती बुरी तरह झुलस गई। उसे MGM अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। स्टोव में खाना मतलब बना रही थी ना, तो चाय चढ़ाई थी और हम बोले कि चाय चढ़ा बेटा, हम सब्जी लेके आ रहे थे। तो हम इधर सब्जी लेने गए और मतलब जब तक आते आते हम सब्जी ले ही रहे थे कि हमको लेडीज आके बोली कि तेरा घर में ऐसे ऐसे हो बात हो गया है कि स्टोव फट गया, तेरा बेटी जल गई है। वहीं RIT मोड़ के पास 2 बाइक्स में हुई भिड़त में 50 वर्षीय रवि हाजदा घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरी ओर हाट गम्हरिया के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से
बाइक सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज भी MGM अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है। इधर अस्पताल अधीक्षक को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहे उहापोह की स्थिति का असर मरीजों पर होने लगा है। अस्पताल में गंदगी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। वहीं इमरजेंसी में डॉक्टरों के न होने से गंभीर रूप से बीमार लोग मरणासन्न होने लगे हैं। कौन सा जगह में? ये इमरजेंसी में, इमरजेंसी में बहुत तरह का दिक्कत है। पेशेंट को दिखता ही नहीं है, सीरियस पेशेंट को दिखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है, एकदम नहीं ध्यान देता है। कल हम लोग जाके फिर अधीक्षक को मुझे फोन किए रात को, तब जाके बेड जाके हम लोग को दिए। गंदगी, एक मिनट हम रुक नहीं सकते हैं, एकदम पूरा उल्टी होगा, खूब बना रहा है, आता है देखता है। सीरियस पेशेंट है, कोई भी डॉक्टर देखने का चलते नहीं आ रहा है, तभी से मरीज पड़ा हुआ है। वहीं कांदरबेड़ा के रहने वाले भादो सिंह चांडिल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। MGM अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या हुआ था, कहाँ जा रहा था? उड़ी सिली से जा रहा, बहनघर जा रहा था, काठजोड़। वहाँ पूजा था, मेला था, तो वहाँ जा रहा था बहनघर। अच्छा। उसमें रोड में एक्सीडेंट हो